नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानिएगा कि घर बैठे आप मोबाइल से ही यह जान सकते हैं कि आपके खाते में पैसे पहुंचे या नहीं दोस्तों, या फिर एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी पहुंची या नहीं दोस्तों। ऐसी बहुत सारी योजनाएं और बेनिफिट है जिनका पैसा सरकार सीधे लोगों के खाते में भेजती है दोस्तों। किसान योजना का पैसा जल्दी भेजने और जनधन खाता धारकों के लिए खाते में अलग से पैसे ट्रांसफर करने का ऐलान किया गया है दोस्तों। इसके अलावा करोड़ों लोगों के खाते में हर महीने एलपीजी गैस की सब्सिडी भी ट्रांसफर की जाती है, मगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके खाते में इस नई योजनाओं के पैसे आए हैं या नहीं दोस्तों। जरूरतमंदों और पात्र लोगों के खाते में सरकार की तरफ से 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक भेजे गए हैं। लोग खाते में पैसे की जानकारी के लिए बैंक जाते हैं दोस्तों, आपको भी इसके लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ सकता है, मगर एक ऐसा तरीका है जिससे आप घर बैठे खाते में पैसे आए हैं या नहीं इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन दीक्षित और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और इनकी मदद से आप आसानी से यह जान सकेंगे कि दोस्तों आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं। हम आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया दोस्तों। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सरकारी वेब पोर्टल है, पब्लिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल सिस्टम दोस्तों। इसी पोर्टल के जरिए आप बैठे बैठे खाते में पैसे ट्रांसफर की जानकारी ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये एक खास सरकारी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, सरकार इसी के जरिए आपके खाते में सब्सिडी और बाकी पैसा ट्रांसफर करती है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, सीधा पैसा सरकार की तरफ से आपके खाते में आता है, और दोस्तों किसी किस्म का कोई बिचौलिया न होने के कारण गरीबों को सरकार की तरफ से भेजा गया पूरा पैसा मिलता है दोस्तों। अब हमको आपको यह तरीका बताएंगे कि आप किस वेबसाइट से यह जान सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएफएमएस निक इन न्यू डिफॉल्ट होम एएसपीएक्स पर क्लिक करके पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर जाना होगा दोस्तों। यहां आपको नो योर पेमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा दोस्तों। इसके खुलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके खुलते ही आपको यहाँ बैंक का नाम डालना होगा, और दोस्तों इसके बाद उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे दोस्तों। इसके बाद कंफर्म करने के लिए आपको फिर से अकाउंट नंबर डालने के लिए कहा जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को डालना होगा दोस्तों। इसे डालने के बाद यहाँ दिए सर्च बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करते ही आपके सामने आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी आ जाएगी, जिसमें यह सारी जानकारी होगी कि यह कैसे कहाँ से आए हैं दोस्तों। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हम ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक लाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।